गुड इवनिंग सौमित्र। मुझे लग रहा है कि देखिए, ये जो जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं वो मेरे ख्याल से अंदाज के हिसाब से ही आए हैं। इसमें कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है और मार्केट्स ये नंबर्स को कल इतना भी सीरियसली नहीं लेगा कि इससे कोई बड़ी बढ़त या बड़ी गिरावट आएगी। पर हाँ, एक बात क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और जो दूसरे सपोर्टिंग सेक्टर्स है वहाँ भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो सबसे बड़ी बात मुझे ख्याल से जो मार्केट्स को आने वाले हफ्ते में और शायद कल परसों भी मार्केट्स मॉनिटर करेगा कि अभी यू नो यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है, अभी क्या इंटरेस्ट रेट्स का यू नो आगे का ग्रोथ पैटर्न रहेगा। और हमारे यहाँ पे जो 6-7 तारीख को जो आरबीआई की पॉलिसी है वहाँ पे अंदाजा है कि वापस शायद 40-50 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक हो, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। रूरल इन्फ्लेशन करीबन 8% के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा आने वाले दिनों में। और ये जो रैली हमने देखी थी वो ज्यादातर एक शॉर्ट कवरिंग रैली मैं कह सकूंगा, जहां पे फॉलो अप बाइंग आज आई नहीं। आज यू नो मॉर्निंग सेशन में तो मार्केट काफी अच्छा चढ़ा था, लेकिन दोपहर के सेशन में हमने करीबन 100 पॉइंट निफ्टी ऊपरी लेवल से गिरते हुए देखा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा, लेकिन इंडेक्स को अगर हम देखें तो इंडेक्स में हो सकता है कि कल भी थोड़ा सा मोमेंट यू नो एक लिमिटेड रेंज में रहेगा, क्योंकि क्लियरली मार्केट्स चिंता करेगी कि 7-6-7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी आएगी तो उसमें क्या नतीजा आ सकता है, क्योंकि कमेंट्री तो आरबीआई गवर्नर की साहब की तो काफी हॉकिश है और यहाँ पे कोई बड़ा रिलीफ आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो नेट नेट आई थिंक मार्केट्स विल बी इन अ वेरी क्लोज रेंज एंड ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ही फोकस करना चाहिए। करेक्ट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पर ही फोकस करना चाहिए। और एक स्टॉक जो मेरे दिमाग में आता है वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा अविनाश सबसे पहले, और वो है ONGC। आज के खराब बाजार में भी 5% ऊपर नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन पहले यहाँ पर जो बातें चल रही हैं वो ये कि क्रूड की तेजी की वजह से जो विंडफॉल गेन हो रहा है कंपनी को, पहले ये खबर आई कि उस पर शायद टैक्स लगेगा, फिर हमें हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और शायद इस वजह से स्टॉक हमने आज 5% ऊपर देखा। क्या व्यू है ONGC पर अविनाश आपका, और अब कैसे अप्रोच करेंगे इसे? सुमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि कोई विंडफॉल टैक्स वो ऑयल कंपनीज पे नहीं लगाएंगे, तो वो एक अच्छी बात है क्योंकि ग्लोबली ये हो चुका है, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया में भी होगा, तो ये एक डेफिनेटली एक पॉजिटिवली सेंटिमेंट फैक्टर था जो आज ONGC के शेयर के लिए पॉजिटिव रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा यू नो बेनिफिट ONGC को मिलेगा वो बेसिकली क्रूड ऑयल प्राइस पे है। क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, करीबन 121-122 डॉलर का अभी करीबन रेट है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये रेट पे क्रूड यू नो सस्टेन होता है तो डेफिनेटली अपस्ट्रीम कंपनी ONGC जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्लियरली आई थिंक ये ट्रेंड हमने पिछले 2-3 हफ्तों से देखा है, तो अगर कोई करेक्शन क्रूड के प्राइस में नहीं होता है तो डेफिनेटली इसमें आप ये समझ के लीजिए कि अगला क्वार्टर बहुत ही बम्पर क्वार्टर आएगा, और इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट सोचेगी कि इसको सस्टेन कितना होगा। लेकिन हमारा मानना है कि कम से कम अगले 1-2 महीना जब तक रशिया क्रूड यू नो यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से ये जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो काफी ऊपरी लेवल तक ही रहेगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है, कोई भी गिरावट अगर मिलती है आपको कल बाजार के सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। सुमित्र, मेरे पास दो स्टॉक्स है। पहला स्टॉक एक कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है MPS, मैकमिलन पब्लिशिंग सर्विसेज। इनफैक्ट सुमित्र, इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है कि हर साल करीबन 100 करोड़ का कैश फ्लो ये जनरेट करती है, और 2 दिन पहले इन्होंने एक ई प्लेटफॉर्म बिजनेस खरीदा है, ई डिजाइंस, जिसका करीबन रेवेन्यू 32 करोड़ है और प्रॉफिट करीबन 7-8 करोड़ है। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में कम से कम 58-60 रुपए की अर्निंग आएगी। सबसे बड़ी बात, पिछले साल में 450 करोड़ रुपए कंपनी ने 87 करोड़ का प्रॉफिट किया है और 50 रुपए की अर्निंग की है और 30 रुपए का अर्निंग दिया, करीबन 4% का डिविडेंड यील्ड तो अभी इस प्राइस पे बन रहा है। तो हमको लग रहा है कि 6 से 12 महीने की अवधि अगर कोई रखता है तो करीबन 750 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। और दूसरा शेयर जो है वो BCL इंडस्ट्रीज है, हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है, रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी बिकवाली आई क्योंकि शेयर ASM कैटेगरी 4 में रखा गया है तो उसलिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री पोस्ट द Q4 नंबर्स बहुत ही दमदार है। हमको लग रहा है कि आने वाला साल में कम से कम 2400-2500 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 115-120 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, करीबन 40-45 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 357 का अभी जो रेट चल रहा है इसको एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि ASM जब भी खत्म हो जाएगा शेयर में अच्छी तेजी वापस आएगी, तो यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस करीबन 450।